मैंने उसे इवॉल्व कर दिया, पर यार वो यार बहुत अच्छा दिख रहा था यार छोटे में। अरे यार चलो अब देखते क्या होता है। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक हो गया आपका पिक्सेल माउंट की एक नई वीडियो में, जहां आज हम बहुत सारे काम करेंगे। सो पहले अपने पिकाचू को मैक्स लेवल तक ले जाएंगे और एक बहुत बढ़िया सा एप्रिकॉन का फार्म बनाएंगे जिससे हमें पोकी बॉल्स मिलेंगी। और सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं वर्ल्ड में तो आ चुका हूँ आप जानते ही, और मेरे कपड़े अभी सही हैं, मुझे कपड़े चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ मेरे कपड़े अभी सही हैं, एपिक हैं। तो अभी सो मैं सारे पोकेमॉन वापस ले लेता हूँ। तो यार पिकाचू मैक्स लेवल तक पहुँचाना है, क्योंकि यार मेरा पिकाचू बहुत ज़्यादा नूबड़ा हो गया है। नूबड़ा तो वो बहुत ज़्यादा वो हो चुका है, उसके लेवल ने बढ़ाया नहीं है ना इसीलिए। तो आज मुझे रेयर कैंडी भी चाहिए, तो रेयर कैंडी के लिए मुझे फार्म बनाना पड़ेगा। हाँ यार, और चलो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं हम आगे जाके। तो चलो इन सबको वापस ले लेता हूँ यार, मेरे को सब पोकेमॉन चिंता है। लेट्स गो, सबसे पहले थोड़ा माइनिंग कर लेते हैं सोच रहा हूँ। और यहाँ हमें नर्स जॉय मिलेंगी हमें, और जो बस एक ही बात कहेंगे तुम्हें, नर्स जो है हमें सिर्फ एक ही बात कहती है हर समय, पता नहीं मैंने बनाया है इनका ये, और ऐसे दिखा दी जैसे ये इनकी एटीट्यूड है, एकदम एटीट्यूड वाले लोग। देखो अरे भाई मैं जानता हूँ मैं डिफीटेड पोकेमॉन हील कर सकता हूँ, मैंने तो बनाई है मशीन। ओ भाई साहब एपिक, डेजर्ट पर चलने वाली मछली। और यहाँ पर मैं अपना फार्म बनाने की सोच रहा हूँ। सबसे पहले लकड़ी काटने की ज़रूरत क्या है, मेरे पास तो इतनी सारी लकड़ियाँ हैं। सबसे पहले थोड़ा टूल्स बना लेता हूँ नॉर्मल। हाँ रेडी है मेरे टूल्स। सबसे पहले अब हम वो करेंगे क्या, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर फार्म बना दूँ। पर रुको 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 रुको, रेयर कैंडी किससे बनती है? ओ भाई साहब बैटल पास चाहिए, और मेरे पास बैटल है ही नहीं, बैटल पास लड़ाई नहीं किया आज तक। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अरे यार एक पोकेमॉन पीसी सेंटर बनता है शायद, उससे हम स्टोरेज के लिए बहुत काम आता है, वो हमारे पोकेमॉन रखने में काम आ सकता है शायद। एक मैंने देखा था यार पोकेमॉन पीसी सेंटर होता है कुछ। अरे रुको मैं शायद क्राफ्टेबल कर लेता हूँ पहले। हाँ अब एक पोकेमॉन पीसी सेंटर भी होता है यार, मैंने देखा है। ओ ये देखो, नहीं ये तो कुछ और है। अरे कहाँ है पोकेमॉन पीसी सेंटर? ओ यार आए देखो, ये पोकेमॉन सेंटर पीसी। अच्छा इसमें शायद अपने पोकेमॉन रख सकते हैं, और ये खोएंगे भी नहीं शायद, कितने भी रख सकते हैं। सो देखेंगे क्या होता है इसमें, बनाएंगे आगे वीडियो में। सो लेट्स गो, पोकी बॉल हम ऐसे बना सकते हैं, और ये पोकी बॉल को ऊपर। अरे रेड एप्रिकॉन चाहिए, हमारे पास एप्रिकॉन है ही नहीं। सबसे पहले हमें थोड़ी माइनिंग करने जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आयरन वायरन कुछ नहीं है, मैं गरीब हो चुका हूँ पूरा एकदम। लेट्स गो आयरन वाले माइन कर लेते हैं। ओ भाई साहब मैं केव तक पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर रुको 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 रुको, यहाँ बहुत सारे बैट्स होंगे शायद। मेरे ख्याल से पोकेमॉन में जो बैट होते हैं वॉर्म बैट होते हैं, क्या होता है पता नहीं है, मुझे नहीं पता। अरे मर गया, बच गया। सबसे पहले मैं थोड़ा स्टोन टूल्स बना लेता हूँ। स्टोन तोड़ लेता हूँ सबसे पहले, इतना काफ़ी होगा। और वहाँ पर आयरन दिख रहा है मुझे, लेट्स गो आयरन है वहाँ पर, लेट्स गो चलते हैं। कोल भी है, एक्सपी मिल जाएगी। पर ये बैट वैट से बच के रहना है यार, ये बैट वैट मुझे मारना दे। अच्छा तोड़ लेता हूँ। तो यार मैं यहाँ तोड़ा था, और ये देखो मैंने बहुत जिससे डर था वही, ये बैट मुझे मार लग गए। इसका नाम क्या है, वॉर्म बैट है ना शायद, वॉर्म बैट है। अरे भाई मुझे मत मार यार, अच्छा जू बैट है, सॉरी। अरे मत करो प्लीज़। वैसे मैं पोकेमॉन प्रो हूँ, पर मुझे थोड़ा नाम मैं भूल रहा हूँ। अरे यार बच गया। अरे यार भागो। अरे यार है 15 minutes later। तो बहुत देर बाद, तीन बार मरने के बाद, मैं तीन बार मर चुका हूँ लिटरली, बहुत तीन बार मैं 3 घंटे से माइनिंग कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने आयरन और कोल इकट्ठा किया, मैं बता नहीं सकता मेरी मेहनत, और मुझे डायमंड भी मिले हैं। हमारे पास है बहुत सारा मटेरियल, तो बहुत सारा मेरे पास मटेरियल है पोकेमॉन बनाने। देखो मेरे पास इतने सारे 64 स्टैक आयरन है, और दो स्टैक मान के चलो मेरे पास कोल है। मैंने बहुत मेहनत की है, ग्राइंड किया है सच्ची में आयरन के लिए, बहुत बार मरा हूँ मैं, बहुत वो हुआ है मुझे पेन इस आयरन को लेने तक। लेट्स गो, चलो इसे फर्नेस में डाल लेते हैं और बहुत सारे आयरन बनाएंगे। लेट्स गो, सबसे पहले ओ भाई मैंने बोला था मेरे पास 10 डायमंड है, देखो 10 डायमंड है, और थोड़ी बहुत बैरी है जो मुझे रास्ते मिल जाती है हमेशा। और आप सोचो मेरे को नाइट विजन कैसे मिला, ये जो मेरे पास बैरी है हाथ में, इस पता नहीं क्या बैरी का नाम क्या है,
इस बेरी से मैं नाइट विजन भी जाता हूँ, मुझे तो अभी पता चला भाई। मैं दो एपिसोड खेल चुका हूँ बताओ, और अपने को प्रो बताता हूँ, प्रो पोकेमॉन प्लेयर बताओ। वो यहाँ पर वर्लपूल नहीं, वर्लपूल ब्रांड होता है क्या? नहीं। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल वो वर्लपूल नहीं, वर्लपूल ब्रांड होता है। सॉरी क्या है उसका नाम यार? पॉलीवॉल। हाँ पॉलीवॉल है उसका नाम, सॉरी वर्लपूल बता रहा हूँ, वो तो ब्रांड है फ्रिज का, सॉरी। तो यार मेरा मन कर रहा है यार इसको पकड़ने का, मेरे पास ज़्यादा पोकेबॉल तो नहीं है। अरे नहीं, एक ही है, प्लीज़ आ जा, एक ही है भाई, एक ही पोकेबॉल है मेरे पास। मैं गरीब हूँ यार, प्लीज़ एक ही पोकेबॉल है मेरे पास, आ जा प्लीज़ आ जा। अरे यार मेरी पोकेबॉल वेस्ट हो गई, ग्लिच भी हो गया। मार दे पिकाचू उसको, मार दे। मेरा पिकाचू है तो बहुत तगड़ा यार, इसने मार दिया पॉलीबॉल को, बहुत बढ़िया भाई। तो ये खा ले पहले सीड, बेरी वेरी खा ले, बढ़िया से मोटा हो जा, लेट्स गो। तो यार मैं यहाँ से जा ही रहा था और मुझे ट्रेनर दिख गया, और ट्रेनर दिख गया, हमें बैच तो चाहिए ही, अपने वो रेयर कैंडी बनानी है ना, तो अभी हमसे लड़ेंगे। और सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ अपना पिकाचू को भेजता हूँ, फिर थोड़ा खाना वाना खिला देता हूँ उसको, मोटा तगड़ा हो जाए, लड़ाई में बहुत बढ़िया काम करेगा। फिर चलो इससे थोड़ा लड़ाई करते हैं। आजा भाई, तू मुझे बैच दे के जाएगा आज, पक्का दे के जाएगा। अरे पिकाचू जा उसको मार दो। वैसे ये पिकाचू मार क्यों नहीं रहा है? सॉरी, जा पिकाचू उसको मार दो, तो इलेक्ट्रिक शॉक दे दो। अरे यार इसने मेरा पिकाचू मार दिया, हद है यार, एक ही तो मेरे पास तगड़ा पोकेमॉन था, वो भी इसने मार दिया। मैंने अभी के लिए उसको बंद कर दिया है, क्योंकि देखो मेरा एक तगड़ा पोकेमॉन प्लेयर ही हार गया है, तो कैसे मैं जीतूंगा उसको। सबसे पहले मुझे लगता है मेरा पिकाचू को मुझे मैक्स हील करना ही पड़ेगा, सबसे पहले हील कर लेता हूँ उसको। आजा भाई, देखो मैंने अपने पिकाचू को हील कर लिया है। और अभी मैं जब आया था ना माइनिंग करके, तो मुझे दो स्टोन मिले थे, जो को बताना भूल गया, लीफ स्टोन और थंडर स्टोन, ठीक है। और मैंने देखा कि हम थंडर स्टोन से हम अपने पिकाचू को अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब इवॉल्व कर सकते हैं। मगर यार ये बहुत प्यारा दिखता है, इसको कैसे इवॉल्व कर दूँ मैं? मुझे बहुत पसंद था यार, इसको कैसे इवॉल्व कर दूँ मैं? ये बहुत अच्छा दिख रहा है यार। चलो अपने बल्बसौर को इवॉल्व हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास एक लीफ स्टोन भी है। लेट्स गो बल्बसौर, कम हियर, तुम्हें इवॉल्व करके देखते हैं तुम इवॉल्व हो भी रहे हो कि नहीं। अरे यार ये इवॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे को मेरा पिकाचू इवॉल्व नहीं करना है, मन नहीं कर रहा यार, बहुत अच्छा दिख रहा है। सॉरी पिकाचू, सॉरी मैं तुम्हें इवॉल्व कर दूंगा, सॉरी। फिर उसे मैक्स लेवल करना है मुझे, उसकी पावर बढ़ानी है, बहुत कमज़ोर हो रहा है। सॉरी पिकाचू, अपग्रेड कर रहा हूँ। मैंने उसे इवॉल्व कर दिया, पर यार वो बहुत अच्छा दिख रहा था यार छोटे में। अरे यार चलो अब देखते क्या होता है, लेट्स गो। ओ भाई साहब इतना बड़ा हो गया ये, और ये डिस्को क्यों कर रहा है भाई? तो डिस्को क्यों कर रहा है, बैठ जा रहा भाई, ये भी अच्छा दिख रहा है, मगर ये डिस्को क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये मेरे पिकाचू से बहुत बड़ा है। आ जा रायचू, हाँ रायचू ही तो है इसका नाम, सही बात है, याद आ गया नाम, बताओ। लेट्स गो, सबसे पहले सो जाता हूँ थोड़ी देर। और क्या इस जो लीफ स्टोन है इससे कोई भी पोकेमॉन अपग्रेड हो सकता है? मुझे लगता है कुछ तो पोकेमॉन हो ही जाए, क्या बड़ी मुश्किल ढूंढा यार, हो जा ये अपग्रेड नहीं होता तो होता नहीं होता, नहीं हो रहा। अरे यार क्या होगा इस लीफ स्टोन से, करूँ क्या मैं? बल्बस और अपग्रेड नहीं हो रहा। अरे चलो सो जाते हैं थोड़ी देर। The next day. तो एक और सुहाना दिन पिक्सल मॉन की वर्ल्ड में। और सबसे पहले आज मैंने सोचा है कि आज हम खेती करेंगे, मुझे एक पोकेमॉन पीसी सेंटर बनाना ही है किस तरह से भी। तो खेती करने के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले एक बहुत बढ़िया सा लैंड, और मुझे दिख रहा है वो सामने, वहाँ बनाऊँगा, बढ़िया सा लैंड मिल चुका है मुझे, लेट्स गो। तो यार मैंने मेरे पास अभी ज़्यादा खेती करने के लिए ज़्यादा वो है तो नहीं, सीड ये थोड़े बहुत है, इससे अभी काम चल जाएगा, बाकी हम बाद में देखेंगे, लेट्स गो। तो यार मैं जा रहा था, मुझे यहाँ पर एक और ट्रेनर दिख गया, और ये बंदा मुझे लग रहा है मुझे दे देगा बैच, क्योंकि इसकी बहुत अच्छा लगा। मेरे पास मेरा पिकाचू को टेस्ट भी तो करना है मुझे, रायचू को, सॉरी रायचू को मैं टेस्ट भी तो करना है। अरे सेंट्रेड भेज रहा है, बताओ मेरा रायचू है, रायचू जाओ उसको मार दो। अरे मुझे विश्वास है, अब तो बहुत तगड़ा हो चुका है ये, मार दो। ओ भाई साहब बहुत जल्दी मार दिया, एपिक यार, मेरा रायचू सच में बहुत पावरफुल हो चुका है। खा लो भाई, लेट्स गो।
देखते हैं मुझे बैच देगा कि नहीं। ओ भाई साहब फाइनली, तो फाइनली ये मुझे बैच दे रहा है। अरे यार थैंक यू। और ये पुपमा सेंटर जा रहा है। अरे तू कहीं भी जा यार, तू मर जा, मेरे को भी तो बैच दे रहा। थैंक यू यार, मैं रेयर कैंडी बना लूँगा। ओ रेयर कैंडी बन जाएगी अब, मुझे बैटल बैच मिल चुका है। दो चार और मिल जाते तो यार मेरा दो चार और रेयर कैंडी बन जाती। छोड़ यार चलते हैं, अभी थोड़ी देर और ढूंढेंगे। और मैं अभी फिर से आ चुका हूँ, मैंने जो उसको बंद किया था अपने उस पहले वाले को, तो उसको मैं अभी वो करूँगा, खोल दे रहा हूँ। हाँ हाँ इसे खोल देता हूँ, इससे बैट वो करता हूँ मैच, देखते हैं मुझे बैच देगा कि नहीं। ओ भाई इसका तगड़ा वो कौन है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं मैच जीत गया हूँगा? अरे घंटा, मैं नहीं जीता मैच, मेरे सारे पुपोन मर गए भाई। उसका चार वेंडर है उसका, मेरे रायचू के पूछ भाग लगा दी उसने। अरे यार मेरे सारे पुपोन मर गए यार, मैं नहीं टिक पाया उसके सामने। सॉरी सॉरी सॉरी। सबसे पहले मैं सोचा अब थोड़ा खेत ही बना लूँ यार, कुछ तो प्रोडक्टिव काम करूँ, तो वीडियो में अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया हूँ। रायचू को इवॉल्व कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं। चल थोड़ा एप्रिकॉन तोड़ लूँ, फ्री की चीज़ कभी नहीं छोड़नी चाहिए गाइस, कभी नहीं छोड़ूंगा फ्री की चीज़। लेट्स गो। ओह बढ़िया है यार। तो यार मैं पूरे दिन घूमता रहा, मैंने पोकेमॉन पीसी सेंटर ले जो मुझे वो चाहिए थी ब्लू वाली हर्ब, वो नहीं मिल रही भाई मुझे। और ये मुझे क्यों मार रहा है? अरे प्राइम एप उसे मार दे मार दे मार दे प्राइम एप, मुझे मत मार प्लीज मत। अरे घंटा, मैं इतना चुभने लगा हूँ सबको। ओ मेरा प्राइम एप, मेरा प्राइम एप सॉरी मैंकी, मैंकी, अरे मेरा मैंकी वापस नहीं आया। हेलो